अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उस्मान पिजन्स टीवी। दोस्तों, आज फिर एक कबूतर आके बैठा है किसी का, और कल रात को तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और आज सुबह कबूतर आके बैठा है। अभी तो आज जुम्मे का दिन है और 1 बजे का टाइम है, और टेढ़ी कबूतर है तो इसको पकड़ने की ट्राई करते हैं। वो बहुत भूखा प्यासा लग रहा है, रूला हुआ कबूतर है, तो देखते हैं कि हाथ आता है कि नहीं। ले दोस्तों, मैं आ गया हूँ इसके करीब और इसको डंडे की मदद से चलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हाथ आता है कि नहीं। वो चलने के काबिल भी नहीं है, काफ़ी उड़ा हुआ है, ख़त्म कबूतर है। ये चल रहा है, सियाणा भी बहुत है ना वो। ये चल चल चल, चल चल चल, थोड़ा और छा पीछे, बस आ गया आ गया। अभी मैं इसको आपको ना ये डोरी खोलता हूँ, आ गया। ले दोस्तों, टेढ़ी कबूतर है और मैं भी इसको आपको पकड़ के इसका शौक करवाता हूँ। ले दोस्तों, ये कबूतर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेढ़ी कबूतर है, और ये आप इसकी आंख का शौक करें। और ये कबूतर है माशाल्लाह से, इसके पल्ले का शौक करें। टेढ़ी कबूतर है तो इसमें 2-3 निशानियाँ हैं, तो ये जिस भाई का भी हो तो वो पूरी निशानी बता के ये कबूतर मुझसे ले सकता है। जिसका हो वही अपनी निशानी बताए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ मेरा कबूतर है, कबूतर ऐसे ही देख के तो बोलते हैं मेरा है। जो मैं ऐसे दिखाता हूँ मगर मैं इसमें कुछ निशानियाँ छुपा देता हूँ, वो मुझे ही पता होती है। जिसके हाथ में होता है ना कबूतर, उसी को पता होता है कि इसमें क्या क्या निशानी है। और ये कबूतर है, 2-3 निशानियाँ इसमें, वो बता दे जिसका भी हो तो वो मुझसे फिर ले सकता है। टेढ़ी कबूतर है माशाल्लाह, सलारा टेढ़ी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल उस्मान पिजन टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकॉन पे क्लिक कर ले ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।